कोलारस सहकारी बैंक में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले में मुख्य आरोपी बने राकेश पराशर के खिलाफ जिले भर के सहकारी बैंक कोलारस में एकत्रित हुए कर्मचारियों ने कोलारस कस्बे में एक रैली निकाली और घोटालेबाज राकेश पराशर के रामेश्वर धाम मंदिर और राकेश पराशर के घर पर प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों ने स्थानीय कलाकारों की मदद से घोटालेबाज राकेश पराशर की असलियत आमजन के सामने लाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी, जिसमें बैंक घोटाले से जुड़े उसके सहयोगियों के साथ मिलकर उसने इतने बड़े घोटाले को किस तरह अंजाम दिया उसका पूरा चित्र नुक्कड़ नाटक के जरिए दिखाया गया। केंद्रीय सहकारी बैंक के जीएम अरस्तु प्रभाकर ने बताया कि राकेश पराशर के परिवार के सदस्यों ने बैंक के करोड़ों रुपए का गबन किया और बैंक के उन रुपयों से उसने अपनी जीवन शैली बदल ली। इससे आम जनता का बैंक से भरोसा उठ गया और बैंक की छवि धूमिल हुई। ऐसी स्थिति में आमजन को जागरूक करने और बैंक की विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए जिले भर से बैंक कर्मचारियों को कोलारस बुलाया गया, जिन्होंने हाथ में तख्तियां लेकर घोटालेबाज राकेश पराशर के खिलाफ प्रदर्शन किया। रैली नगर पंचायत कार्यालय से प्रारंभ होकर कस्बे के विभिन्न मार्गों से होती हुई रामेश्वरम धाम मंदिर पर स्थित आरोपी के निवास स्थान पहुंची, जहां स्थानीय कलाकारों ने आरोपी द्वारा बैंक के रुपयों का किस तरह गबन किया है इसकी पूरी फिल्म नाटक के माध्यम से दिखाई गई है, जिसमें देखा गया है कि राकेश पराशर ने किस तरह पिंकी को सजबाग दिखाकर उसे आकर्षित किया और कैसे पिंकी और उसके परिवार को मालामाल कर दिया, किस तरह उसने बैंक के रुपयों से लग्जरी वाहनों की खरीदारी की और आलिशान मकान के साथ साथ जमीनें खरीदी थी। ये सब नाटिका के माध्यम से आमजन को दिखाया गया। बैंक कर्मियों द्वारा किए गए इस अनोखे प्रदर्शन को देखने के लिए कस्बे में भीड़ लगी रही। वसूली अभियान के तहत जो है निकाला गया है पाराचर और उनके परिवार के जो है लोग हैं उनकी लाभकुर्की हो चुकी है और संपत्ति अटैच भी हो चुकी है न्यायालय के द्वारा। अब उसकी संपत्ति बेचने की प्रक्रिया का ये पार्ट है सूचना देना। दूसरा, हमारे बैंक के लोग जो चाहते थे सभी कि भाई जो हमारा जिस तरह से पैसा या लूटा गया तो बैंक में अमानत में खयानत हुआ है, बैंक वाले उस पैसे के लिए उस परिवार को जो है उनसे बात करें, उन परिवार के ऊपर जो है कहें उनसे कि हमारा पैसा जो है वापस करें। इसलिए सामूहिक रूप से सारे बैंक वाले उठे, इसके बाद इनकी अब जो है नीलामी की जो संपत्ति है इनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इससे पहले जो और खातेदार हैं बैंक उनको जो है कल और परसों में दो दिन के अंदर लगभग जो है 100 लोगों को नोटिस जारी करने वाली है। 7 दिन का उनका समय दी गई है, 7 दिन में उन्हें अपना जो पक्ष रखना हो वो रख सकते हैं। उसके बाद पूरा जो खाते में उनका पैसा वो बैंक अपनी वसूली में वसूल कर लेंगे। सर, ऐसा नहीं लगता कि काफ़ी देर हो चुकी है आपकी इस प्रक्रिया में? लोग आ गए, बैंक विश्वास खो रहा है लोगों के बीच में? नहीं, बैंक का विश्वास नहीं खो रहा है, बैंक का विश्वास कभी नहीं खोता। बैंक और जो है वित्तीय संस्थान एक ऐसी चीज़ें होती है जिनके अंदर कभी कभार उतार चढ़ाव की स्थिति निर्मित होती रहती है। ये अलग बात है कि इस बार का जो बैंक के अंदर उतार आया है उसके पीछे गबन घोटाला था, अन्यथा जो है बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर ऐसे होते हैं जिनके अंदर कभी भी कोई चीज़ें, आपने भी देखा होगा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के अंदर भी जब स्थिति जो है ख़राब हुई, यस बैंक के अंदर भी स्थिति खराब हुई, इवन नोटबंदी में तो हम सब ने जो है लाइन लगाया। तो ये वित्तीय जो मामले होते हैं इनमें कभी कभार चीज़ें इस तरह से रहती हैं। चूँकि इस मामले में शिवपुरी बैंक के मामले के अंदर एक गबन घोटाला था, वो एक नकारात्मक पक्ष हुआ है उसका, उस नकारात्मक पक्ष की वजह से जो है बैंक का थोड़ी सी स्थिति के अंदर लिक्विडिटी में आई है। अदरवाइज बैंकों के ऊपर जो है कोई उनकी थोड़ी बहुत समय रहती है, उसके बाद स्थिति सुधर जाती है, सरकार भी तैयार है पैसा देने के लिए, पैसा दे रही है, सब स्थिति जो है सामान्य हो जाएगी।